हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है लिंगली डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड। यह भी प्रॉब्लम बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम माना जाता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन क्या है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसको पार्टीशन करना है बेस्ड ऑन सम वैल्यू, ठीक है। वो वैल्यू जो होगा ना, वो वैल्यू यूजर रन टाइम पे हमको इनपुट करेगा, ठीक है। तो गिवन अ लिंक लिस्ट एंड अ वैल्यू एक्स, पार्टीशन इट सच दैट ऑल नोड लेस देन एक्स कम्स फर्स्ट, मतलब एक्स के कंपैरिजन हमको इस लिंक लिस्ट में पार्टीशन करना है। तो जितने छोटे वैल्यू हैं एक्स से वो पहले आए, उसके बराबर उसके और उसके इक्वल्स जो वैल्यू है वो उसके बाद आए, और जो ग्रेटर है वो लास्ट में आए। यही काम हमको अपने पूरे लिस्ट के साथ करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस किस कंपनी ने पूछा है। तो आप देख सकते हो इसको, इस क्वेश्चन को माइक्रोसॉफ्ट अपने इंटरव्यू में पूछा होगा, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस भी गिवन है, दैट इज नथिंग बट द बिग ओ ऑफ एन, मतलब हम एक्स्ट्रा स्पेस इसमें इजिली यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व ईजी हो सकता है। हम तीन वैक्टर क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट लेस और इक्वल और ग्रेटर, तीन वेक्टर हम क्रिएट करते हैं और हम अपने एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे। इक्वल नाम दे देते हैं इस वेक्टर का और ये ग्रेटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने लिंक लिस्ट को एक बार ट्रैवर्स कर लेंगे। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक्ट करंट और इसका इनिशियल वैल्यू हम असाइन कर देते हैं हेड से, उसके बाद एक लूप चलाते हैं वाइल करंट, जब तक करंट में कुछ वैल्यू एड्रेस है तब तक ये वाइल लूप हमारा चलेगा। तो इस वाइल लूप में हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगा लेते हैं कि यदि इफ करंट का जो डेटा है अगर वो लेस है एक्स से ना, तब लेस में पुशबैक करेंगे, क्योंकि लेस हमारा वेक्टर है। लेस डॉट पुशबैक क्या चीज, करंट का डेटा, ठीक है ना। अब तीन केस यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे, यदि करंट का डेटा बराबर हो गया एक्स के ना, तो इन दैट केस हम करंट का डेटा को किस में पुश करेंगे, इक्वल नाम के वेक्टर में, इक्वल नाम के वेक्टर। और जब ग्रेटर हो जा रहा है तब हम ग्रेटर नाम के वेक्टर में उसको पुश कर देंगे उस एलिमेंट को, ठीक है। अब कॉपी करने का काम होगा, ठीक है। अब तीन वेक्टर है, अब तीन वेक्टर के इंडिविजुअल एलिमेंट को अपने लिंक लिस्ट में स्टोर करने का काम करेंगे। स्टोर कर लो या कॉपी कर लो, तो हम तीन वेरिएबल बनाते हैं इंट आई जे के, और तीनों का इनिशियल वैल्यू हम असाइन कर देते हैं जीरो के इक्वल, ठीक है, आई को भी जीरो के इक्वल। अब हम एक लूप चलाते हैं भाई, आई शुड बी लेस देन लेस डॉट साइज, ठीक है। जब तक i लेस डॉट साइज के इक्वल है तब तक ये लूप चले, और करंट अभी नल हो गया इस वाइल लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, तो करंट को हम हेड नाम के पॉइंटर का वैल्यू असाइन करवा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करंट के डेटा में असाइन करवा देंगे क्या चीज, लेस ऑफ i, और i में हम इंक्रीमेंट करेंगे और करंट में भी हम इंक्रीमेंट करके उसको अगले नोड का एड्रेस असाइन करवाएंगे, ठीक है। अब यही वाइल लूप हम तीन बार कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा तीनों लिस्ट पे ये काम अच्छे से करे, ठीक है। और ये तीनों हो जाने के बाद लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारा ओरिजिनल हेड, ठीक है। यहाँ पे हम जे शुड बी लेस देन इक्वल डॉट साइज कर देते हैं, इक्वल डॉट साइज, यहाँ पे हमारा इक्वल ऑफ आई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आई में इंक्रीमेंट ना करके जे में इंक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पे के शुड बी लेस देन ग्रेटर साइज, यहाँ पे ग्रेटर ऑफ आई के प्लस प्लस, हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं, इतना सा सिंपल सा ये कोड था, ठीक है। बस आपको इसका क्रिस्प पता होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को टैकल बेसिकली कैसे करेंगे। ओके, डीएलई आ रहा है, क्यों
जस्ट बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे करंट पॉइंटर को अपडेट ही नहीं किए, करंट में असाइन कर देते हैं करंट का नेक्स्ट। तो ये TLE इसलिए आया क्योंकि ये इनफिनाइट लूप में हमारा कोड स्टक हो चुका था। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं। ओके, अभी भी कुछ एरर है, क्या एरर है? ओके, ग्रेटर ऑफ यहाँ पर इक्वल ऑफ जे होगा और यहाँ पर ग्रेटर ऑफ के होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा छोटा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हम कॉपी पेस्ट किए थे कोड को, इसी चीज को अगर हम लिखते तो कुछ प्रॉब्लम हमारा नहीं जाता बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आउटपुट आ रहा है और एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है दोनों सेम है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल ये कोड था, अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो इसको आराम से इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को हम दूसरे वे से भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो स्पेस यूज किया हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते थे। ठीक, तो वो आप सोचिएगा इसको हम और एडिशनल ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। ठीक है, हम अगर चाहें ना तो इस प्रॉब्लम को मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैप्स का सॉल्यूशन और इजी होगा। दूसरा वे और हो सकता है कि हम यहाँ जो वेक्टर क्रिएट किए हैं ना, हम वेक्टर ना क्रिएट करके हम अपना सिंपली लिंक लिस्ट ही 3 क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें लिंकिंग का काम कर लेंगे। तो इस एक प्रॉब्लम को हम मल्टीपल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रोच ज़्यादा सिंपल है कि हम क्या किया, 3 वेक्टर क्रिएट कर लिए, एक लेस वैल्यू को स्टोर करेगा, एक इक्वल वैल्यू को स्टोर करेगा, एक ग्रेटर वैल्यू को स्टोर करेगा। उसके बाद हम क्या किए, एक बार लिंक लिस्ट को सिंगल बार ट्रैवर्स कर लिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद हम क्या किए, कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। ठीक है, जो भी हमारे वेक्टर में एलिमेंट था उसको बारी बारी से कॉपी किया और हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, अगर दिक्कत जाती है आप कमेंट करो, दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस कोड को सिंपली ड्राई रन करो, उसके बाद भी अगर समझने में दिक्कत जाती है आप कमेंट करो, हमारे कमेंट को रिव्यू करेंगे। ठीक है, करते भी हैं बेसिकली। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।